Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं horror game, जिस game का हम लोग को पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था. Yup, इस बंदे को तो आप लोग जानते ही होंगे. ये है Mr. Meat. ये बंदा इंसानों को पकड़कर उन्हें पिक बना देता है और फिर उन्हें किडनैप करके अपने घर का सारा काम करवाता है. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार ये देखो अपना सब्सक्राइबर्स ग्राफ. पहले कुछ ऐसा एकदम मस्त अच्छा खासा चल रहा था, बट आजकल आप में से जो नए लोग आए हैं वो वीडियोस तो देख रहे हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है. 100 में से सिर्फ और सिर्फ 42% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है. तो जाओ यार, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और इस ग्राफ को सुधारो. फिलहाल अभी इसने मुझे जिस जगह लाके बंद करा है, यहाँ से मुझे बाहर निकलना है. यहाँ पे बैक साइड में एक विंडो का ग्लास है जो कि ऑलरेडी क्रैक्ड है, तो क्या मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता? वेट, पर कुछ भी उठा के मार दो ये ग्लास तो पूरा टूट ही जाएगा. बट शायद इससे शोर मच जाए और मिस्टर मीट हमें आके दोबारा लपेट दे तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात है. बाकी यहाँ पर काफी सारे कैबिनेट्स हैं तो इनका कोई फायदा नहीं. और वेट, मैं समझ गया मुझे क्या करना है. मुझे इस ट्रॉली को पुश करना है और ऊपर यहाँ से बाहर निकलना है इस पैनल से. लेट्स गो. हम लोग एस्केप कर गए हैं जहां पर हमें मिस्टर मीट ने बंद करा था. मैं किसी एक वेंट में आ चुका हूँ. इस वेंट से मेरे को ये वाले ट्रैप डोर को ओपन करना है और जंप मारनी है नीचे. एंड फाइनली मैं तो प्रिजन के ही बाहर आ गया. मतलब असली वॉल के बाहर नहीं गया हूँ. ये वॉल्स बहुत ज्यादा ऊंची है और पक्का इसने कैमराज वगैरह भी लगा रखे होंगे. ठीक है, तो अभी फटाफट से भाग के चलते आगे. एंड फिलहाल यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो क्या हम लोग इस ट्रक को लेकर बाहर नहीं निकल सकते? यहाँ पर ये देखो मेन गेट भी है, बट शायद ऐसा नहीं होगा. अभी मेरे को वापस से उस जगह पर जाना होगा. अरे भाई साहब, ये फिर से ये तो शॉटगन चला रहा है यार. ये पागल है भाई. मैं कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं. ये कोई दरवाजा मेरे को मिला है और अभी मुझे थोड़े बहुत रास्ते समझ आए. ये देखो मैं वापस से उस जगह पर आ गया हूँ. यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा किचन है. इस किचन में भी कुछ कैबिनेट्स हैं, लॉन्ग टेबल क्लॉथ. तो यार देखो, अभी ना मुझे इन कपड़ों से कोई मतलब नहीं है. मुझे एंड्रयू नाम के गार्ड को ढूंढना है और फिर उसके बाद हमें आगे की चीज़ पता चलने वाली है. मिस्टर मीट अभी अभी यहीं से गया है. अपना रास्ता थोड़ा सा क्लियर है. और वेट, बैक साइड में यहाँ पर ये एक टॉयलेट और है और इस टॉयलेट के अंदर 2-3 दरवाजे हैं. क्या कुछ पड़ा है यहाँ पर एक्स्ट्रा? वेट, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है. ठीक है, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ. क्या पता यहाँ पर एक दरवाजा और है. कम्युनिकेशंस, मैं इसमें नहीं जा सकता. इस तरफ में एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, यहाँ से चलते हैं ऊपर. और यहाँ पर एक इधर रूम है, ये तो लिफ्ट है, इधर नहीं जा सकता मैं. और ये कौन है? टॉक टू एंड्रयू. लेट्स गो. एंड्रयू मिल चुका है. ओके, तो अभी मेरी फिलहाल एंड्रयू से बात हो चुकी है और इसने मुझे ये मेटल कटिंग सीजर्स दिए हैं और मुझे मालूम है इसका यूज कहां पर होने वाला है. नीचे कैबिनेट थी, वो मैं ओपन कर सकता हूं इसका यूज करके. तो गाइस, अभी ना फिलहाल मेरी ये जिस गार्ड से बात हुई है ना, यही है एंड्रयू जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे. ये कह रहा है कि ये इस प्रिजन में पिछले कई सालों से काम कर रहा है और मिस्टर मीट को भी यहां पर पकड़े रखने में इसने बहुत हेल्प करी है. यानी इसको इस प्रिजन के बारे में काफी कुछ मालूम है. तो ये प्लान बता रहा था हमें कंट्रोल रूम में जाके इमरजेंसी लॉकडाउन को ऑफ करना होगा, तभी हम लोग इस प्रिजन से बाहर निकल सकते हैं. तो कुल मिलाके हमें कंट्रोल रूम के अंदर जाना ही जाना है. फिलहाल ये रूफ टॉप पे जाने का डोर है जो कि शायद से ओपन नहीं होने वाला, यानी हम लोग छत पे भी नहीं जा सकते. और ये क्या है? क्रैंक स्लॉट. इट इज क्लोज्ड विद अ मैनुअल मैकेनिज्म दैट इज मिसिंग द क्रैंक. तो मुझे यहाँ पर कोई क्रैंक लाकर लगाना है जिससे लोहे वाला भी ओपन हो जाएगा और हम लोग दीवार टाप के उस पार चले जाएंगे. लेट्स गो. कुछ तो नया पता चला. फिलहाल अभी मुझे सीजर को लेकर चलना चाहिए नीचे और कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को ओपन करनी है. बाय द वे गाइस, मेरा नेक्स्ट टास्क ये दिखा रहा है कि मेरे को ना पाउडर्ड सीमेंट का बैग ढूंढना है. और वेट, मेरे को मिल भी गया वो. लेट्स गो. इसको मैंने उठा लिया है और मुझे याद रखना है कि ये जो मेटल कटिंग सीजर्स है मैंने यहाँ पर ड्रॉप करी है क्योंकि ये आगे चल के काम आने वाले शायद से. वैसे यार अभी मुझे इस बैग का क्या करना है मेरे को कोई आइडिया नहीं. यहाँ पर ये कह रहा है कि पोर द सीमेंट पाउडर ऑन द पैनल. वेट, मैं समझ गया. तो वो जो पैनल हमें ऊपर मिला था ना जिसमें हमें कोड डालना था, शायद से पाउडर वहां पर यूज होने वाला है. फटाफट से इसे लेकर चलते हैं. काश ये वहां पर यूज हो जाए क्योंकि वो गेट अगर खुल गया तो बहुत सारी नई नई चीजें हमें मिल सकती है. मैंने यहां पर डाला है पाउडर और ये गेट तो नहीं खुला बट पाउडर डल चुका. अच्छी बात तो ये है, द पैनल इज कवर्ड विद द डोनट ग्रीस पोरिंग सम पाउडर. तो अभी मैं समझ चुका हूँ आखिरकार सीन हुआ क्या है. गाइस देखो, यहाँ पर काफी सारे बटन्स है लेकिन ये जो सीमेंट हमने उड़ाया था ना वो इन तीन बटन पे जाके चिपक गया, 2, 3 and 5, क्योंकि ये तीन की सबसे ज्यादा यूज होती है. मतलब ये थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका है बट ये काम करेगा. तो गाइस देखो, अभी ना मुझे इन तीन डिजिट का यूज करके सारी पॉसिबिलिटीज बनानी है कि आखिरकार पासवर्ड क्या हो सकता है. ठीक है, इन छह में से कोई ना कोई एक सही पासवर्ड है. डन, तो पासवर्ड डालना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है 2 3
3 and 5 और ये मैंने कर दिया एंटर। किस्मत कितनी अच्छी थी भाई, पहली बार में ही करेक्ट। दरवाजा ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये क्या है, यू नीड अ मेटल कटिंग टूल टू कट द लॉक ऑफ द कैबिनेट। भाई साहब वो जो सीजर हम नीचे फेंक कर आया ना, उसी सीजर से ही ओपन होने वाला है। और यहाँ पर और भी कुछ कैबिनेट्स है, शायद इसके अंदर भी कोई ना कोई सामान हो, बट अपनी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, हमेशा खाली कैबिनेट्स ही मिलते हैं मेरे को। ये वाला दरवाजा कौन सा है? ओह तो मैं वापस से उस वाले रूम में आ चुका हूँ जहाँ पर आंटी जी कंप्यूटर चला रही थी। यहाँ पर एक सीडी रूम भी है, ये मैं कैरी कर लेता हूँ। और अभी ना फटाफट से भाग के चलते हैं उस कटिंग सीजर्स को लेने के लिए। मेरे को सीमेंट जहाँ पर मिला था मैंने वहीं पर वो ड्रॉप कर दी थी, मैं इसको भी यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इसका यूज नहीं पता कहाँ पर है, तो चीज खोनी नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं पर काम आने ही वाली है। सीजर 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 कहाँ पर फेंकी थी यार मैंने, शायद से येरी सीजर्स मेरे को मिल गई है। अभी इसे लेकर चलते हैं उस जगह पे। ओके तो अभी मैं फुल स्पीड में भागता हुआ सीजर को लेकर वापस से ऑफिस में आ चुका हूँ। जल्दी से चलते हैं अंदर और इस वाली अलमीरा को ओपन कर देते हैं। यू नीड अ मेटल कटिंग टूल, लेकर तो आ गया, ताला काटू क्या? यप हो गया ओपन। अब फटाफट से मैं कर देता हूँ ओपन। और ये क्या है, यहाँ पर से मुझे क्या मिला, ये कंट्रोल पास, लेट्स गो। मैंने तो सीधा कंट्रोल रूम ही ओपन कर दिया भाई, मेरे हिसाब से मैंने सारा काम कर दिया। बट क्या इतना इजी था यहाँ से एस्केप करना? मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल रूम में शायद से और भी कीज एंड पासवर्ड लगने वाले हैं। पहले तो ये कैबिनेट ओपन करो, क्या है इसके अंदर, शॉटगन का एमो और ये कैबिनेट छुपने के लिए। और यहाँ पर रास्ता टूटा हुआ है जिससे मैं आगे जा सकता हूँ। लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पर ये क्या है, शॉवर्स, शॉवर्स के भाई साहब यहाँ पर तो खतरनाक पिक घूम रहे। हेलो और भाई कैसा, ये बाथरूम में क्या कर रहे हैं, नाने स्किप है, स्किटांग मार दिया, पिटेगा ये खुद भी तो बेहोश हो गया, लेकिन बेचारा काफी ज्यादा शरीफ पिक है। हेलो यार यहाँ पर भी ये एक व्हाइट बेडशीट पड़ी हुई है, पक्का इन कपड़ों का कुछ ना कुछ तो यूज है, ये मेरे को हर जगह मिल रहे हैं। और ये यहाँ पर कैसे आ गया, वेट मैं यही छुप रहा हूँ भाई। एक तो ये पिक भी इधर ही घूम रहा है जो कि मेरे को मारने पे तुला हुआ है भाई, भिड़ गया इसका मुंह दीवार में, भिड़ा गंदे वाला। हेलो मैं सुमित, इसकी हाइट ज्यादा ही, अंदर नहीं आ पा रहा, आ नहीं रहा ना, मैं ढूंढा डंडी कर ले रहा हूँ जब तक। ये भी आ सकता है, आया आया आया, ओरे भाई बच गया। यहाँ से मैं बाहर कैसे, ओ ये क्या है, लेट्स गो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। ये कुछ तो नई जगह है, मैं नीचे आके गिर गया हूँ यार इस जगह से। और ये शायद मेरे लिए कोई तो नई जगह है, नहीं ये वही है। बाय द वे गाइस अभी ना मैं यहाँ पर नीचे प्रिजन में आके थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी कर रहा था और मिस्टर मेट यहाँ पर भी टपक चुका है, मुझे इससे बचना होगा भाई। ये वाली जगह सचमुच में बहुत खतरनाक है, बट मेरे को रास्ते सारे आ जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। भाग के चलता हूँ यहाँ से ऊपर और मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। भाई मेरे को नहीं पकड़ पाएगा, अब वो आ रहा है क्या, आ रहा है, नीचे से बैठ के नहीं आएगा वो। एक यहाँ पर लॉकर रूम और है, ये मैंने नहीं देखा था यार अभी तक। इसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह रखे हैं इस तरह। ए यार पहले तो इसको फेंको, याद रखना है कि लॉकर रूम में फेंका क्योंकि दिमाग खराब हो रहा है उसको हाथ में लेके घूम रहा हूँ। तो ये वाले में सब कुछ खाली है यार, इधर कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये ट्रक का की पड़ा हुआ, वेट ट्रक बाहर खड़ा हुआ है। और क्या मुझे उस ट्रक को लेकर यहाँ से निकलना है, क्योंकि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होने वाला, बट फिर भी मैं ट्राई जरूर करूंगा क्योंकि वो ट्रक किसी ना किसी काम का तो है। फटाफट से चल के ट्रक में बैठते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। भाई सामने एक दरवाजा है, शायद हम लोग इसको तोड़ कर निकलने वाले हैं अभी। ओ इसको ड्राइविंग ही नहीं आती, ठीक है हाँ सीधी चलानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगा ले भगा ले, अरे लैम्बोर्गिनी बना दिया गया, इतनी भी तेज नहीं भगानी थी। मेन दरवाजा तो खुला नहीं, पता नहीं कौन सा दरवाजा खुल गया, उसमें से पिग अलग निकल कर आ गया है। भाई बैंड बजे तो भाई इस लेवल की बजे। और वो देखो सामने से मिस्टर मीट आ रहा है, ये क्या है, मिस्टर मीट तूने मेरे को नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ ऐसे चुपचाप। वैसे ये वाला नया दरवाजा ओपन हुआ है, मुझे यहाँ पर चलना है, बट अभी मिस्टर मीट है तो मुझे थोड़ा सा अलग जाना होगा। मैं हेलो मीट, क्या तू यहाँ पर है? तो यार बता दे, मैं बिल्कुल भी तेरे से पंगे लेने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एस्केप करने वाला हूँ यहाँ से। वो आ रहा है भाई, वो आ रहा है, मैं फंस जाऊंगा, मैं अगर नीचे जाता तो मैं फंस जाता, इसलिए मैं ऊपर आ गया। यार अभी ना ये अचानक से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है, तुरंत भाग के आ रहा है मेरे को मारने। आई थिंक अभी जा चुका है तो मैं नीचे जाने का रिस्क उठा सकता हूँ, लेट्स गो। ये मैंने लगाया, ओ बॉयलर रूम ओपन हो चुका है, मैं अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पर से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ये क्या, अल्फा सिक्योरिटी की मेरे को मिल चुका है, ये की कंट्रोल रूम में लगने वाला है। तो गाइस देखो अभी ना मुझे अल्फा की मिल चुका है और अब बस मुझे बीटा की ढूंढना है, जो कि मेरे हिसाब से वो जो क्रैंक है ना उसको यूज करने पे दूसरा रूम खुलेगा ना वहीं पर मिल जाना चाहिए। फिलहाल अभी इस अल्फा की को लेकर चलता हूँ मैं चुपचाप से ऊपर और इसको ना रख कर आ जाता है कंट्रोल रूम में, अपना काम हो जाएगा। मीट तो सामने से आ तो नहीं रहा ना, वेट मिस्टर मीट यहाँ है क्या,
उसकी गन यहाँ पर पड़ी हुई है, उठा। नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं लेने वाला अभी भाई। पता चला वो बेट बनाने के लिए उसने यहाँ पर रखा हुआ, मैं जैसे ही उठाऊं धप्पा कर दिया अचानक से। तो वो बिना गन के घूम रहा है, देखो सामने क्या हुआ है, बट मैं आ चुका हूँ इस टाइम पर। कंट भाई वो रास्ते बंद कर रहा है यार सारे के सारे, एक एक करके। बट शायद से मैं इन शॉट गन का यूज करके इन सारे रास्तों को ओपन भी कर सकता हूँ। फिलहाल ये रही अल्फा की, इसको लगाना है यहाँ पे, और अब बस बारी है बस येलो वाली की अपना काम हो जाएगा। यार मैंने ना सारी जगह अच्छे से चेक कर लिया है, बस यहाँ पर ये एक टॉयलेट बचा हुआ है ये वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट वाला तो मैंने कर लिया था, मेल वाला, बट इस तरफ वाले को मैं वेट, ये पड़ा भाई प्रिजन क्रैंक, यही तो मैं ढूंढ रहा था इतने टाइम। मिस्टर मीट कहाँ से आ गया भाई, अगर अभी इसने मेरे को मारा ना भाई सारा काम खराब हो जाएगा कसम से। प्लीज यार चले जा, मैं नहीं हूँ यहाँ पर, मैं नहीं हूँ भाई, सच में नहीं हूँ। मैं यहाँ से निकलने गया, वो आया था बट अभी वो जा रहा है। फाइनली भाई अब मुझे बस इस क्रैंक को ले जाकर उस जगह पे लगाना है, और फिर उसके बाद क्या करना है वो वहीं पर जाकर पता चलने वाला है। बट पहले मुझे इस जगह से निकलना है जो कि मैं बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक होने वाला हूँ। अब यार देखो इतना ज़्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस है, अगर मैंने गलती करी तो मैं मर जाऊँगा। ओपन करते हैं दरवाजे को, आई थिंक मिस्टर मीट जा चुका है। हेलो मिस्टर मीट भाई, अभी मत मारियो प्लीज़, बहुत ज़्यादा बैंड बज जाएगी वरना। लेट्स गो, चुपचाप यहाँ से चलते हैं नीचे, शायद मिस्टर मीट, मैंने थोड़े अलग अलग रास्ते यूज़ करने वाला हूँ अभी। मिस्टर मीट जिन रास्तों को नॉर्मली यूज़ नहीं करता, जैसे वो कभी इधर से नहीं आता, तो मैं इधर से जाने वाला हूँ। तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये डायरेक्ट उस नर्सरी के लिए जाएगा जहाँ पर एक क्रैंक लगना है। फटाफट से चलते हैं अंदर, ये वाले रूम को मैं पहले बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे लगाना है ये क्रैंक। और ये देखो ये, ओ वेट, रुको रुको रुको, अभी आराम से इसे ओपन होने देते हैं। और लेट्स गो, ये ओपन हो चुका है, मुझे यहाँ से बस अब जंप मार के नीचे जाना है। इट्स टू हाई टू जंप, यू कुड मेक योरसेल्फ अ रोप टू क्लाइम डाउन इफ यू हैड इनफ फैब्रिक। तो मुझे भी एक बहुत सारा फैब्रिक चाहिए होगा नीचे जाने के लिए, और रस्सी बनानी है, और दरवाजा ओपन हो जाना चाहिए। रस्सी बन चुकी है, फटाफट मुझे यहाँ से चलना होगा अब नीचे। हो भाई साहब काफी ज्यादा खुशी हो रही है, बट अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हुई एस्केप हुआ है या फिर नहीं। तो अभी मैंने ये जो सीक्रेट विंडो है इसे आकर ओपन कर दिया है, चलते हैं जल्दी से अंदर। और मुझे सामने की नजर आ गई है, ये पड़ी, लेट्स गो, इसको ले लेते हैं। और अब फटाफट से वापस चलते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पास, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सॉरी यहाँ का जो अपना ये कॉप है इसके पास सारा काम हो चुका है भाई। लेट्स गो जल्दी, वो आना चाहे। ओह अच्छा, सब कुछ अभी रेडी नहीं हुआ है, मतलब ये चाह रहा है कि हम लोग ये की भी पहले वहां पर लगा कर आए फिर आकर इससे बात करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रेव, अच्छा अच्छा, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं, दरवाजा बंद कर, और अभी शायद से हम दोनों को की को एक साथ ऑन करना है। यस, डन डन डन, की को ओपन करना है, की ओपन हो रही है, लेट्स गो। सब ओपन हो गया, और अभी मेरे को बस ये वाला बटन दबाना है, और अभी हम लोग यहाँ से एस्केप करने वाले हैं सारे दरवाजे ओपन करके। भाई साहब अब बस मिस्टर मीट आकर हमें पकड़ ना ले अचानक से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कुछ ऐसा ही होता है इन हॉरर गेम में। हमने एस्केप कर लिया है फाइनली, ये रही इस पुलिस वाले की गाड़ी। बट यार ऊपर से देख रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है भाई वो।